बैंड में किसी नारे के किनारे पे रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही लगता ही नहीं है कि मतलब कि इस तरह का कलर जो है वो मतलब नहरें हमने देखी हैं मतलब उनका वो पानी गंदा पानी दो बार नहर देखी हमने जिसमें सिर्फ जो है वो गधे और खोते जो है वो नहाते हैं और वो जो है वो चाय के कलर का जो है वो मट्टी मट्टी वाला पानी होता है सारा जो गंद जो है वो भी गटर का वो भी उसके अंदर डलता है और लोग भी अपना गंद जो है उसके अंदर डालते हैं और खुद भी नहाते हैं उसके अंदर तो ये जितना क्लीननेस है जितना मतलब उसके कलर से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितना मतलब क्लियर है वाटर तो इसीलिए ये ज़्यादा अपीलिंग है ऑब्वियसली और आसपास का जो माहौल है वो इसको और ज़्यादा ऐड कर रहा है इसकी खूबसूरती तो इस टाइम हम एंटर हुए हैं तरबेला डैम के लिए जाने के लिए और ये साथ में इसकी केनाल जो है वो जा रही है साथ साथ इसके बहुत प्यारा व्यू है और ये है काशीपुर होता केनाल और आप देख सकते हैं कि अभी बर्फ जैसे पिघल कर आ रही है पहाड़ों पर और जो उसका नीलू पानी है नीला पानी बिल्कुल बहुत खूबसूरत होता है और आगे भी आपको इसका हम मंजिल जो है दिखाएंगे। हाँ जी तो हमने इस टाइम जो है वो पास ले लिया एंट्री पास जुनेद साहब हमारे लिए बनवा लाए हैं और अब हम एंटर होने लगे हैं गाजी बरौदा में और ये हम इसके मेन एंट्रेंस के ऊपर खड़े हुए हैं तरबेला पे सॉरी यार मैं गाजी बरौदा बोल रही क्योंकि हम काफ़ी लंबा उस पर हमने ट्रैवल किया तो अब हम एंटर होने लगे हैं जनाब जी माशाल्लाह दरख्त आप देख रहे हैं साइड पर बहुत प्यारा व्यू है तो क्या कहेंगे यार फवाद भाई कुछ बोलते हैं आप क्यों इतने खामोश हो गए हैं क्या हो गया आपको यार एक्शन में आप दोनों पुरानी यादों में आप खो गए हैं किसी को नहीं, नहीं। कर रहे हैं किसी की याद आ रही है नहीं मुझे यार किसी मैं सिर्फ जो है ना क्या कोई दुख मिले हैं कोई मतलब किसी ने आपका दिल दुखाया आपको वो याद आ रहा है और क्या भाई कोई दिल दुखाया नहीं है और कोई याद नहीं आ रहा कुछ भी ऐसा ठीक है ना तो बोले ना दिल आपके काबू में होना चाहिए बाकी लोग जो है ये जो आपने बात की है सवाल आखिर की है हाँ तो बाकी जो लोग हैं उनका तो आना जाना आपकी लाइफ में लगा रहता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये जो पल है जो मोमेंट्स है जो जिस तरह की सीनरी है जो साइट है आप उसको एंजॉय कर रहे हैं मतलब मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ आप उसको डिस्कस कर रहे थे जुनेद के साथ ऑब्वियसली वो इसके बारे में ज्यादा बेहतर जानता था तो मैं ये चाहता था कि चले आपकी अच्छी हेल्दी डिस्कशन हो हेल्दी डिस्कशन और जो हमारा व्यूअर है वो भी मतलब के एंगेज रहे हमारी वीडियो के साथ वो देख सके उसके नॉलेज में भी इजाफा हो मतलब ये ना हो कि वो समझे कि यार बस मेरा ये टाइम ही मतलब जाया हो रहा है ऐसा नहीं है इन्फॉर्मेटिव वीडियो होनी चाहिए हर हवाले से लोगों के लिए जो लोग यहाँ आना चाहते हैं देखना चाहते हैं वो आए और जो नहीं आ सकते हैं जो नहीं आ मतलब कि अभी नहीं ये वापडा कैडेट कॉलेज है तो हम उनको इतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी वीडियो के अंदर कि वो घर बैठकर ऐसे लगे कि वो यहीं पर फिर रहे हैं तो साथ साथ मुझे जो है बताया जा रहा है एंगल्स कैमरे से वो बताना बहुत जरूरी है लाइफ के एंगल्स और कैमरास के एंगल्स आपके हमेशा सीधे होने चाहिए तो जुनेद भाई थोड़ा सा बताएं ना थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बारे में कि किन पहाड़ों पर हैं किन जगहों पर हैं प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हो सके कॉलोनी कहना तो ठीक नहीं होगा सही क्योंकि इसमें एक कॉलोनी नहीं है दो ही कॉलोनी सही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बेसिकली मतलब एक शहर है अपने अंदर पूरा बिल्कुल ऐसे ही है तो अब हम यहाँ से लेफ्ट होंगे ये एक इसका चौक आ जाता है इधर से राइट साइड पे तरबेला हॉस्पिटल है ये तरबेला हॉस्पिटल का बोर्ड है अकब में जो एस एस जी स्कूल है पूरे पाकिस्तान में तीन है तो एक यहाँ पे नजर आएगा क्या जबरदस्त व्यू है यार जुनेद भाई का सबसे अच्छी जो बात लगती है जो जगह जगह पर ये जानवर हैं ये मतलब के गाय जो हैं और इस तरह से भेड़ बकरियां चल रही हैं बड़ा अच्छा लग रहा है इंटरनेशनल मॉल के अंदर बिल्कुल और सामने आप देखें कि क्या व्यू है माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा ज़बरदस्त तो ये है तरबेला डैम डैम के
अच्छा, इस डैम के अंदर? डैम में तो था ना, ये डैम से निकल के पानी आया था जो भी आपके नहीं, अब जो ये हिस्सा हमारा जो लेफ्ट साइड पे हमें अपन नजर आ रहे हैं, ये क्या डैम का हिस्सा नहीं है? ये डैम से निकल के जो रिलीज किया है सही डैम ने, सही उसके बाद ये 7 किलोमीटर लॉन्ग लेक है, सही बैराज तक, सही जो राजी प्रोथा का बैराज है वहाँ तक 7 किलोमीटर जी। ये भाई ने हमें वेलकम किया, अभी हम जो है वो रेस्ट हाउस की तरफ आ गए। वेरी ब्यूटीफुल साइट टू वॉच, यहाँ से आप देख सकते हैं वही काम, हमारी गाड़ी खड़ी है और अब ये है कि हम ये सामने आप देख सकते हैं और ये हमारा रेस्ट हाउस है, यहाँ पे हमें स्टे करना है। जो काम प्लेस में चाहता था इस टूर पे वो मुझे लगता है कि मुझे मिल गई है। तो यहाँ पे बैठ के हम बहुत अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और ये है कि अपने आप को जो है वो थोड़ा सा काम डाउन करेंगे, चार्ज अप करेंगे फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, और वो कि बहुत इम्पोर्टेंट था एक ब्रेक जो कि हमने ली है, जो कि मैं अब आपको एक मंजर दिखा रहा हूँ, ग्रीन लश ग्रीन सॉर्ट ऑफ गार्डन, यहाँ पे आपको एक कामनेस का एहसास होता है। एंड जस्ट लुक एट दिस, व्हाट अ ग्रेट साइट टू वॉच, extravagant.